Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing wonderful. बहुत दिनों बाद मतलब सालों बाद नहीं लेकिन पिछले साल की वीडियो आई थी उसके बाद में ये वीडियो डाल रहा हूँ तो बहुत दिन हो गए. उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें उसके बारे में बात करने का, लेकिन ये व्लॉग नहीं है. दिस व्लॉग इज अबाउट समथिंग एल्स. आपने देखा ही होगा थंबनेल पे. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. तो जो पहली कार जो होती है ना, अपनी पहली कार जो हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा वो स्पेशल रहती है. वो यहाँ पे रहती है, मतलब याद रहती है, वो दिमाग में दिल में याद रहती है. आई एम श्योर कि आपने भी जब भी पहली कार ली होगी वो आपको हमेशा ठीक से याद रहेगी. एक बात मैंने नोटिस किया, जब आप मूव करते हो किसी कंट्री में, जैसे लास्ट ईयर मैं यूके में था, जब यूके में मैंने पहली गाड़ी ली, आई वेंट थ्रू द सेम फीलिंग्स. मुझे वही एक्साइटमेंट थी, वही बटरफ्लाई वाली फीलिंग थी जब मैं पहली कार ले रहा था यूके में. तो वो बहुत फॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि आपको वो वाली फीलिंग आप रिपीट कर पा रहे हो. इट्स वेरी फॉर्चुनेट. और आज मैं यहाँ पे हूँ, आई मीन यूएस, एंड आज के दिन मैं लेने वाला हूँ मेरी पहली कार यूएस में. सो आई एम गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग्स, यू नो. मुझे वापस वही फीलिंग्स आ रही है, अच्छी वाली, एक्साइटिंग वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ, ये मेरी पहली कार यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ. डजंट मैटर प्री ओन्ड हो, सीपीओ हो, क्या है पता, मतलब इट डजंट मैटर. इट्स योर फर्स्ट कार और वो हमेशा स्पेशल रहती है. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू गाइस. तो आज मैं यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसके साथ स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो कार जो आज मैं लेने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू कम एक वेंडिंग मशीन के थ्रू आने वाली है. सो वेंडिंग मशीन के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन आज देखने वाला हूँ. सिर्फ देखने वाला नहीं, एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, उसको यूज़ करने वाला हूँ. तो वेंडिंग मशीन आपको पता ही होता है, जैसे मतलब सिक्का डाल दो तो कोई कोल्ड ड्रिंक आ जाती है या फिर चिप्स आ जाते हैं, तो एक छोटा वेंडिंग मशीन हो गया. ये बड़ा वेंडिंग मशीन है, जब आप कॉइन डालते हो तो पूरी कार आ जाती है. सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग. वो एक यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू. ओ गॉड, लेट हो गया गाइस, माय उबर इज वेटिंग. दौड़ रहा हूं. हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम. दिस इज राजेश. रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट? आई डोंट नो. व्हाई यू डोंट नो? आई डोंट नो व्हेयर वी आर गोइंग. तो राजेश को बिल्कुल आईडिया नहीं है कि हम लोग कहां पे जा रहे हैं, तो मैंने उसको बताया नहीं था. तो उसको लग रहा है कि हम लोग कहीं पे तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. एंड जो आपको सामने दिख रहा है, ये वाला वो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. और गैस, तो ये है जो वेंडिंग मशीन की मैं बात कर रहा था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे ऊपर तक देयर आर कार्स. मतलब कार्स अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्स हैं एक दो, तो वो सब नीचे आ जाएगा. सब नहीं नीचे आएगा, जो मैं कॉइन यहाँ पे डालूंगा तो वो वाली जो कार है वो नीचे आ जाएगी. सो आई एम गोइंग टू डू दैट नाइट वे. तो ये रहा कॉइन. आई एम रेडी टू पुट. ऑल राइट, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर. देयर वी गो. टेम्परेरी नंबर प्लेट्स लगेंगे, उसके बाद इसको मैं ड्राइव पे लेके जा सकता हूँ. और ये मुझे मिल चुकी है मेरी चाबी. इट्स गुड. तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसका प्रोसेस कैसे रहता है. गाड़ी अगर आपको परचेस करनी है तो ये सीपीओ है, मतलब सर्टिफाइड प्री ओन्ड. कारवाना के वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की लिस्ट रहती है. उस पर पूरी गाड़ी की कुंडली रहती है, मतलब यू कैन सी कि ये किस एक्सीडेंट में गई थी या नहीं, कब इसके ओनर्स कौन थे, इसकी सर्विसिंग कब हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं. तो हर चीज़ का ना जो पूरा ब्यूरो रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है. उसका 360 व्यू, इंटीरियर एक्सटीरियर फोटोज, डिटेल्स, इम्परफेक्शन, सब कुछ उसमें कवर होता है. तो यू कैन सी ऑल दैट एंड सेलेक्ट योर कार. जैसे कार सिलेक्ट करते हो तो सेकंड चीज़ रहती है पेमेंट की. आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रूफ सबमिट कर दो कि आपके पास इतना पैसा है, नहीं है तो लोन करवा दो, लोन का प्रूफ सबमिट करवा दो, तो सेकंड स्टेप हो जाता है पेमेंट का. एंड थर्ड स्टेप इज़ यू गो टू ऑनलाइन एंड आप इंश्योरेंस ले लो कार का, और इंश्योरेंस का प्रूफ जो इनको सबमिट कर दो ऑनलाइन. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि एक दिन में भी आप कवर कर सकते हो. और ये इस प्रोसेस खत्म होने के बाद यू कैन शेड्यूल अपॉइंटमेंट, जब मैंने अभी किया है, एंड आप यहाँ पे आ सकते हो और सिक्का डाल के अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो. तो इसके आगे का प्रोसेस है कि अभी हम लोग इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आई हैव द डिसीजन, मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ. अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, मैं घर जा सकता हूँ. अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो आई विल पे, मेक द पेमेंट, और ये गाड़ी मैं लेके जा सकता हूँ घर पे. और इसके बाद भी 7 डेज का मनी बैक पॉलिसी भी रहता है, ताकि इफ आई डोंट लाइक द कार विद इन द 7 डेज, अगर मुझे लगता है कि ये उस पैक के हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मैंने देखा था ऑनलाइन, या फिर कोई भी और दिक्कत है इस गाड़ी में, तो आई कैन रिटर्न दिस कार और मुझे सारा पैसा जो है वो जो वापस मिल जाएगा, या फिर मैं इसके अगेंस्ट एक्सचेंज करके दूसरी गाड़ी भी ले सकता हूँ. सो दैट्स द प्लान. तो अभी
टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं एंड लेट्स सी इफ आई लाइक द कार। एक्सटीरियरली तो मुझे बहुत पसंद आ चुके हैं, ऑलरेडी मुझे पसंद आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद देख लेते हैं कुछ अगर चीज़ें हैं तो, एंड उसके बाद पेमेंट करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेट्स गो फॉर अ स्पिन रजेश। गाइस तो यहाँ का प्रोसेस हो चुका है खत्म, टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है एंड आई लाइक द कार, तो कोई इशू नहीं है। तो दिस इज द कार, बाकी सब प्रोसेस हो चुका है। तो हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली, टेस्ट ड्राइव के बाद हम लोगों ने सब कुछ चेक किया तो ठीक लगा, तो आई मेड द पेमेंट, तो पेमेंट हो चुकी है, तो कार अब हो चुकी है मेरी। तो आई हैव 7 मोर डेज जैसे मैंने कहा, तो 7 दिन के अंदर अगर कुछ भी मुझे इशू लगता है तो आई कैन ब्रिंग द कार एंड टेक द पेमेंट बैक। तो भाई इस तरह से प्रोसेस रहा है अभी तक, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 2 मिनट के डॉक्यूमेंटेशन, जो मुझे पेमेंट वेमेंट करना था बस वो सब, और ख़त्म हो गया चीज़ें। अरे यार यहाँ पे लगेगा, रुकना पड़ेगा। ओके ठीक है, रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई एम गोइंग टू बी सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड लेट मी साइन ऑफ।